हाय व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है, हम इस व्लॉग में आप सबको हाजी मलंग दिखाने वाले हैं। आप सबको पांचों पीर की जियारत भी करवाएंगे, तो यार हमारी वीडियो में बने रहना क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए, ये भी भूल गए हैं कि इंट्रो कैसे देना चाहिए। तो यार ये जो देख रहे हैं हम सब लोग टैक्सी से जा रहे हैं, क्योंकि बस पे जो होता है बहुत क्राउड हो जाता है और काफ़ी लेट हो जाती है बस, इसलिए हम बस से नहीं जा रहे हैं, हम टैक्सी से जा रहे हैं। तो यार फाइनली हम चलते हैं आप सबको हाजी मलंग दिखाने के लिए। तो फाइनली जैसे कि हमें टैक्सी मिल गए और हम टैक्सी की अब वेट कर रहे हैं कितना जल्दी भरे, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है बस से, इसीलिए हमने टैक्सी चूज़ किया। तो यार जैसे ही आप टैक्सी पर बैठोगे तो आपको एक आदमी के लिए, एक सीट के लिए आपको 50 रुपये लगता है। और जैसे ही अगर आप जाने लगोगे टैक्सी से, यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारा छोटा छोटा गाँव आपको देखने को मिलेगा। इस गाँव के बीच से आपको छोटे छोटे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और यहाँ का जो व्यूज़ दिखता है ना भाई, क्या गजब का व्यूज़ लगता है। तो हमें तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये गांव। तो जैसे कि हम हाजी मलंग पहुंच चुके हैं, और आपको हाजी मलंग जाने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा। यहां पर आपको छोटी छोटी मार्केट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहां से आप चद्दर और फूल वगैरह वगैरह आप कुछ भी यहां से ले सकते हैं। अगर आपको खाना पीना है तो यहाँ से आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है, आपको रेस्टोरेंट से लेकर आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आपको लिए हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। तो यार अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना ऊंचा है और हमें अभी कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बिल्कुल अब सीढ़ी चढ़ने की बारी है। अब आपको सीढ़ी दिखा दें कि कितनी सीढ़ी हमें चढ़नी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें 3000 सीढ़ी चढ़नी है अभी। तो हम फाइनली आप सबको दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो वहीं व्लॉग को पूरा देखना, व्लॉग को पूरा वॉच करना। तो जैसे कि हमारी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अभी से ही हमारी हालत डाउन हो गई है, अब हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं बिल्कुल आराम आराम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने, आपको यहाँ पर लाठी 2 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पर आप लाठी भी ले सकते हैं, बल्कि हम लाठी वाठी तो कुछ नहीं लिए, इसलिए हम बिल्कुल आसानी से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर हर आपको हर किनारे पर एक रेस्टोरेंट, और आपको यहाँ पर सब ज़्यादा बंदर देखने को मिलेगा। सबसे यहाँ पे जो खुशियाल लाते हैं ना, सब ज़्यादा यहाँ पर बंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ से चना भी इनके लिए ले सकते हैं आप कोई भी रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी भाई बहन सब चढ़ रहे हैं बिल्कुल लाठी लेके, लेकिन हम कुछ भी नहीं लिए, बाकी सारे लोग तो हमारे जान से लिए हैं, देखने में तो सब लिए ही हैं, केवल हम और हमारे अब्दुल भाई नहीं लिए, और सब लिए हैं यहाँ पर लाठी। तो धीरे धीरे हम भी कोशिश करते हैं कितना जल्दी चढ़ें और आप सबको व्यूज़ दिखाएँ, क्या गजब। हमें तो सिर्फ वीडियो से ही आए हैं, हम दूसरे की वीडियो देखे तो बहुत ही गजब का हमें व्यूज़ देखने को मिला था, इसीलिए हम भी हाजी मलंग के लिए निकल पड़े। आप सबको एक वीडियो बनाकर सोचे फिर से आप सबको वीडियो दिखाया जाए। तो जैसे ही दूसरा कोना है, फिर से हमें एक दुकान देखने को मिली। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे बगल दिख रहा है आपको, ये जो पटरी दिख रही है, काफ़ी दिन से ट्रेन चालू होने की कोशिश में, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है, यहाँ पर बन ही नहीं, सक्सेस नहीं हो रही, इसलिए अभी चल नहीं है, अभी इसका काम तो चल ही रहा है, और अभी हम पूरा चढ़ भी नहीं पाए, अभी तो हमें एकदम ऊपर जाना है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं ऊपर के लिए। तो आप जो ये वाला गेट देख रहे हो, जैसे इसको पार करोगे, इसके बाद जस्ट इसके बाद जैसे कि 10 मीटर के बाद आपको बाबा मलंग की आपको यहाँ पर देखने को मज़ार मिल जाएगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मज़ार है यही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले छोटी सी आपको मार्केट देखने को मिलेगी, मार्केट में वही चद्दर वद्दर यहीं भी मिलता है, और उसके बाद आपको यहाँ से जैसे वो दिख रहा है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेंगे यहाँ पर चप्पल उतार दो, यहाँ पर सभी बोलते हैं कि अपने चप्पल उतार के जाओ वहाँ पर, अगर आपको मज़ार पर जाने हैं तो। यार हम जैसे कि चप्पल उतारे, उसके बाद ये देख सकते हैं सभी लोग ज़ियारत कर रहे हैं इधर, और ये है बाबा मलंग की मज़ार, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए हम इसके अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन आप सबको दिखाए पूरा मज़ार आपको दिखाया, उसके बाद अब हम चलते हैं आप सबको आगे चलते हैं, और भी काफ़ी चीज़ दिखानी थी आपको, सबसे ज़्यादा तो आपको प्यारा व्यूज़ दिखाना था। तो यार हम आपको ये है जो देख रहे हैं बाबा मलंग की मज़ार, और अब हम चल रहे हैं आगे। तो जैसे कि हमने आप सबको पहली पीर दिखाया, जो मेन पीर है ना यही है, अब फाइनली हम चलते हैं आपको पास चलते हैं, और आप सबको दिखाएंगे पांचवी पीर, जैसे कि हाजी मलंग बाबा की मज़ार ये थी। तो यार हम आपको पांचों पीर
दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी बिल्कुल भी नहीं चढ़े, अभी स्टार्ट किए हैं। और हमारे बैक साइड में जो आपको ये सीन दिख रहा है, क्या गजब का लगता है भाई। वहाँ पर जाने के लिए तो हमें एक दिन लग जाएगा क्योंकि वो बहुत लंबा है अभी। और हम चलते हैं, आप सबको दूसरी पीर दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज का दिन, अभी का टाइम जो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज का दिन नहीं जा पाएंगे। अब चलते हैं, आपको दूसरी पीर दिखाते हैं। उधर जो सामने दिख रहा है उधर दूसरी पीर है, तो वहाँ पे हम चलेंगे, आप सबको वहाँ की मज़ार दिखाएंगे। वहाँ पर किसी मज़ार है क्योंकि हम भी पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर हाजी मलंग। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यूज जहाँ से दिखता है, तो वो जगह यही है, यहाँ से हमें बहुत ही प्यारा व्यूज़ दिखता है। तो जैसे कि हम आपको कुछ अनोखा चीज़ दिखाने वाले हैं, आप जब उसको देखोगे तो बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे क्योंकि हमारे बैक साइड में ही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े का टाप, चश्मिस का पानी यहाँ रास्ते बता रहा है। तो यहाँ आपको हम चलते हैं घोड़े का टाप जी, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ घोड़े मारा था, उसके बाद यहाँ पे पानी निकल आया था। और जो रास्ता है ना इधर से है, इधर से हमें जाना पड़ेगा उस पानी के पास, तो हम चलते हैं। और यहाँ का जो व्यूज़ दिख रहा है यार, क्या गजब का व्यूज़ है। और ये पहाड़ जो देख रहे हो बहुत ही तगड़ा एक्साइटेड लग रहा है। और वहाँ पे देख सकते हो जो मज़ार दिख रही है, मलंग बाबा की मज़ार है, वो आपको हम दिखाए, अंदर से नहीं दिखाए। तो यार यहाँ से देख रहे हैं कितने गहराई, कितने ऊपर आए हैं। और यहाँ पर सभी लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सीढ़ी चढ़ चुके हैं ना, इसलिए पूरे थक गए। वहाँ से नीचे से आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं तो सबकी हालत डाउन हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी खुद की हालत डाउन हो गई थी। हम भी बैठे थोड़ी देर आराम किए, उसके बाद फिर आपको ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप हमारी आवाज़ सुन ही रहे हैं कि हमारी आवाज़ कैसे आपको कट कट के जा रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है चढ़ने में और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर पहाड़ पे हमें छोटा सा कुआं देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे पूरे बीच में ये कुआं है। और हम अब चलते हैं आपको जो टॉप दिखाने वाले हैं जहाँ से पानी निकलता है। तो जैसे कि हम देख रहे हो आपके सामने चल रहे हैं और ये टॉप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख, काफ़ी भीड़ लगी हो गई पानी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आते हैं पानी पीते हैं। सबका कहना कि जो यहाँ का पानी पी लेता है उनकी हर बीमारी दूर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा गड्ढा है और इसी में से पानी निकलता है। हम आपको छोटे गड्ढे को दिखाते हैं, जैसे कि पूरा तो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन ये जो आपको छोटा गड्ढा दिख रहा है जहाँ से आपको धुआं निकल रहा है, यही छोटा गड्ढा, यहीं से पानी निकलता है और ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पानी यहाँ पर पी रहे हैं, यहाँ पर सभी पानी पीते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बीमारी हो सही हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम इतना ऊपर आ चुके हैं, जो छोटा छोटा जो घर दिख रहा है वहीं से हम आए और यहाँ पर इतना ऊपर आ गए। और वहाँ के जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको अनोखा चीज़ दिखाया, तो यार वहाँ के जितने भी पानी आप निकाल लो, चाहे जितना भी पानी निकाल लो, पानी कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको बाहर ले जाना है तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज लगते हैं, जिसको एक लीटर के लिए आपको 20 रुपये लगते हैं। अगर आपको वहीं पे पीना है तो आप बिल्कुल फ्री में आप पी सकते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है जो भी ये पानी पिएगा उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है, ऐसे लोग का मानना है। तो जैसे कि हमने आप सबको अनोखा चीज़ दिखाया और अब हम लोग सीधा सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसीलिए हम सोच रहे हैं सीधा घर चलेंगे। और आप सबको पूरा वीडियो दिखा चुके हैं, जैसे कि हमने वो मज़ार आपको दिखाया और वहाँ पे आपको हाजी मलंग का भी मज़ार, हाजी मलंग बाबा की भी मज़ार को दिखाया। तो यार फाइनली यार अब हम पूरी मज़ार को अपने दो पीर आपको दिखाई पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और जो मज़ार है ना काफ़ी दूर दूर पे, और जो ऊपर दिख रहा है वहाँ तो भाई अलाउड ही नहीं जाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहती है, ख़तरा पहले से आपको लिख के आ जाएगा कि वहाँ पे जाने के लिए आपको ख़तरा है, इसलिए हमने नहीं गया। और अगर वहाँ पर जाना भी चाहते तो काफ़ी टाइम लग जाता, कम से कम 4 से 5 घंटा वहाँ ऊपर जाने के लिए हमें लग जाता, इसीलिए हम नहीं गए। तो यार अब हम सोच रहे हैं सीधा आप वहीं, जैसे कि वहाँ से हम आए थे, वहाँ से जैसे कि हम आए थे उसके बाद अब सोच रहे हैं वहीं से हम रिटर्न जाके अपने घर चले जाएं, क्योंकि वहाँ से हमें वहाँ जो दिख रहा है इतना ऊपर आए, वहाँ से हमें टैक्सी मिली थी, वहाँ से हमें टैक्सी ड्राइव की और यहाँ से सीधा चलते चलते सीधा ऐसे राउंड मारते उसके बाद यहाँ पे आए। तो यार काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम 4 से 5 घंटे यहाँ पे पहुँचने में लग गया क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है यहाँ से। अगर आप आना चाहते हो तो काफ़ी टाइम, जब आप फुर्सत में हो तभी आइएगा। तो जैसे कि हमने आपको पूरा हाजी मलंग दरगाह को दिखा दिया और यार पूरी पांचों पीर को नहीं दिखा पाया क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है यार, अगर हम आप सबको पांच ही पीर दिखाने की कोशिश करते तो। यार वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ तक गए थे, बिल्कुल लास्ट तक गए थे और पूरा आपको वीडियो भी दिखाई कि वहाँ पे हम जाके आप सबको दिखाए वहाँ की मज़ार, बाबा मलंग बाबा की मज़ार भी आप सबको दिखाए। तो यार सोच रहे हैं कि हम अपनी वीडियो यहीं से एंड करें क्योंकि यार काफ़ी समय हो गया, इसीलिए अब सोच रहे हैं यहाँ की जो
टाइम है ना ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ से खतरा भी रहता है अगर ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुक जाओ तो यार, इसीलिए हम सोच रहे हैं अपनी वीडियो को एंड करेंगे यहीं से। और आप सबको यार अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई घंटी बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ये वीडियो जब भी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो यार एक वीडियो को लाइक कर ही देना। चल फिर से आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।